अपने दर्शकों को रायगढ़ लिए चलते हैं, जहां रामायण महोत्सव इस वक्त चल रहा है। जंगलों से घिरा हुआ वनाच्छादित हमारा प्रदेश, कल कल बहती हमारी नदियां और नदियों के किनारे हमारी संस्कृति बसती है, और नदियों को बचाने का काम हम सब ने बीड़ा उठाया है। एक तरफ इंद्रावती का हमने प्राधिकरण गठन किया है, अर्पा प्राधिकरण का गठन किया है, हमने संकल्प लिया है, हमारे महानदी है, हमारे शिवनाथ है। आज केलों में बहुत बढ़िया केलो मैया की आरती हम सब लोगों ने किया है। यह अवसर है हम प्रकृति को बचाएं, प्रकृति हमें सब कुछ देती है। ये नदियां हैं, ये पर्वत है, ये पहाड़ है, ये जंगल है, इसे बचाने की जरूरत है, और उसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। हमारा नरवा प्रोजेक्ट उसी का हिस्सा है। हमने अभी तक 8000 नालों को पुनर्जीवित किया है, और अब बारी नदियों की है। नदियों के संरक्षण का जिम्मा भी हम उठाते हैं, सभी नदियों को स्वच्छ करने का, बारो मासी बहे ऐसा हम लोग प्रयास करें सब मिलजुल के। यदि सब मिलके करें ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हो सकता। तो हम सब लोग संकल्पित हों, भगवान राम भी इन्हीं पहाड़ से इन्हीं नदियों के किनारे गुजरते हुए वो वनगमन किए थे। तो आज इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आप सब भजन भी सुनना चाहते हैं और किसको, कुमार विश्वास को सुनना चाहते हैं, और इसलिए बहुत ज्यादा देर तक के मैं आपके और कलाकारों के बीच, भजन के बीच नहीं रहना चाहता। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि ये पंडाल हम लोगों ने जब बनाया था तो लगा पंडाल भरेगा कि नहीं भरेगा, लेकिन पहले दिन ही खचाखच भरा हुआ पंडाल, दूसरे दिन और व्यवस्था करनी पड़ी, आज तो और ज्यादा व्यवस्था करनी पड़ी। पंडाल के बाद एलईडी लगा के 40-50 हजार लोगों की व्यवस्था की गई है, और ये सब आप सबके सहयोग से हुआ है। किसी को यदि परेशानी हुई होगी, किसी को यदि अड़चन महसूस हुई होगी, तो उसके लिए प्रदेश के प्रथम सेवक होने के नाते मैं आप सब से क्षमा चाहता हूं, जिन्हें भी कोई परेशानी हुई होगी। लेकिन ये कार्यक्रम आपका है, अपना है, और इसलिए हम सब वहां रायगढ़ वालों से मैं बात कर रहा था, बोले भैया हमारे घरों में इतने मेहमान आए हैं पैर धरने की जगह नहीं है, प्रदेश से, दूसरे प्रदेश से सारे मेहमान आए हैं, इतना अच्छा वातावरण, ये रायगढ़ नहीं राममयगढ़ हो गया है। 3 दिन तक के ये कार्यक्रम, इसके लिए मैं बधाई देता हूं। राम हम सब के दिलों में है, हम सब के जीवन में है। राम कौशल्या के राम है, राम बनवासी राम है, राम सबरी के राम है, और हम सब के भांचा राम है। तो मेरे साथ आप जयकारा लगाइए, बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, भाचा राम की, सबरी के राम की, कौशल्या के राम की, बजरंग बली की। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं तो बोल दिया ना, सभी नदियों का, हाँ सभी नदियों के संरक्षण के लिए अलग से प्राधिकरण बनाया जाएगा, महाराज जी कैसी इच्छा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने बहुत ही सारगर्भित अपना उद्बोधन यहाँ पर दिया है, और जो आपने बात कही, इतने सारे लोग रायगढ़ शहर में आए हैं और रायगढ़ अब लग रहा है कि राममय गढ़ हो चुका है, यह बिल्कुल सही है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि रायगढ़ वासियों के सहयोग के लिए एक बार जोरदार तालियां उनकी होनी चाहिए।
उन्होंने इतना सुंदर प्रतिसाद सभी कलाकारों को दिया है कि सभी कलाकार गदगद हैं। आपको बताना चाहेंगे कि कल तक के रिकॉर्ड में 1,00,000 से अधिक लोगों ने इसे ऑनलाइन देखा था, लाइव स्ट्रीमिंग को। तो एक बार ये भी एक रिकॉर्ड बनता है इस आयोजन के लिए, यह कल का डेटा है और आज भी हमें लग रहा है कि यह रिकॉर्ड और ज्यादा आगे बढ़ने वाला है। और हनुमान चालीसा का पाठ हम करेंगे। षडंगी जी की टीम से हमारा आग्रह, कृपया शीघ्र मंच पर आ जाएं। भई प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। इस धरती पर माता कौशल्या ने जन्म लिया और इस नाते माता कौशल्या हमारी छत्तीसगढ़ की बेटी हुई और प्रभु श्री राम हमारे भांजे। प्रभु श्री राम के भक्त में लीन हनुमान जी की उपासना से ही हम आगे के कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। हमारे सभी अतिथिगण खड़े हैं, आप सभी से आग्रह, आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ हमारे साथ करें। और यह वही हनुमान चालीसा है जिसे पिछले लगातार जो आयोजन हुआ उसके लिए रायगढ़ जिले ने एक कीर्तिमान बनाया है और हमें लगता है कि यह कीर्तिमान अपना ही रिकॉर्ड जब और तोड़ा जाता है तो और ज्यादा खुशी होती है। आज ये संख्या और बढ़ जानी चाहिए जब सब लोग एक साथ मिलकर भगवान श्री राम की आराधना में हम हैं और हनुमान जी के लिए उनके हनुमान चालीसा का पाठ सब लोग करेंगे। तो चलिए एक नया रिकॉर्ड बनाने के लिए, अपना रिकॉर्ड जो आज ही यहाँ पर हुआ है उसे तोड़ने के लिए आप सभी तैयार हैं, एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ हम करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा वरनउ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चा बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार
तो रामचंद्र के काज सवारे, जी हां, दशरथ नंदन कण कण कर रहा वंदन रायगढ़ की। ये तस्वीरें जहां छत्तीसगढ़ के दुलारे राम जय सिया राम के जयकारे लग रहे हैं। रामायण महोत्सव का आयोजन, 3 दिनी रामायण महोत्सव का आयोजन किया गया और आज इसका समापन हो रहा है। और यहां पर एक रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। तो सीधी तस्वीरें आप रायगढ़ से देख रहे हैं, जहां पर रामायण महोत्सव का आयोजन, 3 दिनी रामायण महोत्सव का आयोजन किया गया छत्तीसगढ़ का दंडकारण्य, जहां पर प्रभु श्री राम ने अपने वनवास काल में सबसे अधिक समय व्यतीत किया। और वैसे भी राम तो भांचा हैं छत्तीसगढ़ के, यानी भांजे कहलाते हैं छत्तीसगढ़ के, क्योंकि माता कौशल्या का पीहर छत्तीसगढ़ है और इस लिहाज से राम यहां के भांचा होते हैं, भांजे होते हैं। और आज रामायण महोत्सव का, 3 दिनी रामायण महोत्सव का समापन है, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी कैबिनेट के तमाम मंत्रीगण भी मौजूद हैं, जो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। और इस रामायण महोत्सव में देश ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, देश भर के, और देश ही नहीं बल्कि बाहर से भी मंडलियां आईं और उन्होंने अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी। लगातार 765 मिनट तक अरण्य कांड पर प्रस्तुति दी गई। कर्नाटक के रामायण दल को पहला स्थान, असम को दूसरा, जबकि झारखंड को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। छत्तीसगढ़ के संस्कृति विभाग ने रिकॉर्ड भी बनाया, छत्तीसगढ़ ने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया, क्योंकि अरण्य कांड पर सबसे ज्यादा देर तक कार्यक्रम चला, 765 मिनट तक लगातार प्रस्तुति दी गई। और इसमें जो अलग अलग मंडलियां आई थी उनको पुरस्कृत भी किया गया, जिसमें कर्नाटक को पहला स्थान हासिल हुआ, असम को दूसरा स्थान हासिल हुआ, जबकि झारखंड को, झारखंड से जो मंडली आई थी उसे तीसरा स्थान हासिल हुआ। 1 से लेकर 3 जून तक छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में आयोजन किया गया महोत्सव, रामायण महोत्सव का आयोजन किया गया और पूरी जनता यहां पर धर्म के भाव में खोई हुई नजर आई। साथ ही साथ एक रिकॉर्ड भी बनता हुआ नजर आया, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यह दर्ज हो गया है। और इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये रायगढ़ में रामायण महोत्सव के समापन की तस्वीरें हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे थे केलो नदी के तट पर, जहां मां केलो की आरती में वे शामिल हुए और इसके बाद पुरस्कृत किया गया उन मंडलियों को जिन्होंने इस रामायण महोत्सव में हिस्सा लिया। सबसे खास बात यह है कि देश ही नहीं विदेशों से भी इस रामायण महोत्सव में अपनी सहभागिता निभाने के लिए मंडलियां आई थीं। और छत्तीसगढ़ के संस्कृति विभाग ने एक रिकॉर्ड भी बनाया, 3 दिनों के इस रामायण महोत्सव से रायगढ़ राममय हो गया। खास तौर पर दंडकारण्य में अरण्य कांड की जो प्रस्तुति रही इतनी अद्भुत रही कि वो एक रिकॉर्ड यहां पर बना, क्योंकि दंडकारण्य वही स्थान जहां प्रभु श्री राम ने सबसे अधिक समय अपने वनवास काल का व्यतीत किया और उसी क्षेत्र में अब ये रामायण महोत्सव का आयोजन छत्तीसगढ़ के संस्कृति विभाग की तरफ से कराया गया, जिसका समापन हो रहा है। और छत्तीसगढ़ के दुलारे कहलाते हैं, भांचा कहलाते हैं प्रभु श्री राम, क्योंकि माता कौशल्या या प्रभु श्री राम का ननिहाल है छत्तीसगढ़। और इसीलिए घर घर में यहां राम भगवान के रूप में नहीं बल्कि
भांचा के रूप में यानी भांजे के रूप में पूजे जाते हैं। इसीलिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने कौशल्या माता के मंदिर का भी निर्माण किया और अभी रायगढ़ में रामायण महोत्सव का जो आयोजन हुआ उसका समापन हो रहा है। यहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। तुलसी दास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय में। तो हर कोई यही कामना कर रहा है कि कीजे नाथ हृदय मह डेरा, यानी कि हम सभी के हृदय में हे प्रभु श्री राम आप वास कीजिए, हमारा मन शुद्ध कीजिए। हृदय बसहु सुरभूप, राम लखन सीता सहित।